नमस्कार दोस्तों, मॉडिफिकेशन कार में आपका स्वागत है। ये पुराने वाले गाड़ी है जिसको हमने नए वाले मॉडल में कन्वर्ट किया है। अभी तक किसी ने भी फ्रंट मेंबरशिप जिस पर लाइट बम्पर ग्रिल बोनट सेट होता है उसकी वीडियो किसी ने नहीं डाली। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे सेट करते हैं, पूरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। ये हमने कुछ पार्ट्स इसके इकट्ठे किए हैं, जो फ्रंट गाटर जिसे हम देसी लैंग्वेज में बोलते हैं, या मेंबरशिप बम्पर हेडलाइट ग्रिल फॉग लैंप बोनट जो हमने इकट्ठे किए हैं, वो सारे सामान मैं आपको दिखाऊंगा जो इस गाड़ी में चेंज होंगे, ना कि बॉडी चेंज होगी। कुछ लोगों के दिमाग में होता है कि इस गाड़ी की पूरी बॉडी चेंज की जाती है मॉडिफिकेशन में, लेकिन इसकी पीछे की डिग्गी, आगे का बोनट, फेंडर, बम्पर, ग्रिल आदि चेंज किए जाते हैं। जैसा कि मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ, ये साइड फेंडर है ब्लैक कलर का, हम इसको वाइट कर देंगे। ये वाइट कलर की गाड़ी है, M2DI गाड़ी है, हम इसको मॉडिफाई करके नए वाले मॉडल में करेंगे। ये S11 की लाइट है जिस पर DRS भी लगा हुआ है। अभी मैं आपको कंप्लीट रिस्टोरेशन दिखाऊंगा इस गाड़ी की, जो मॉडिफाई हमने की है वो मैं कंप्लीट दिखाऊंगा आपको, कैसे हम गाटरे लगाते हैं। अधिकतर लोगों को ये नहीं पता कि ये सेट कैसे होती है, और ना किसी ने अभी तक इसकी वीडियो डाली। जो लाइट लगी हुई है ये, इसको हम गाटरे बोलते हैं, ये सेट कैसे होती है ये मैं आपको बताऊँगा कैसे सेट करते हैं। अभी थोड़ी देर में मैं दिखाऊँगा, वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। ये गाटरे पर हमने दोनों लाइट लगाई है, अभी सेट करके देखा है जिस तरीके से सेट की है, ऐसे कि ऐसे ही ऊपर गाड़ी में ये लाइटें सेट की जाएंगी। बहुत खतरनाक लग रही हैं, अभी आपको दिख रहा होगा, काफ़ी शानदार लग रही हैं लाइटें, और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इन लाइटों को हम गाड़ी पर सेट करेंगे। ये S11 की लाइट है दोनों, जिस पर DRS लगा हुआ है नए मॉडल में। काफ़ी, मैं कहूंगा काफ़ी हद तक बहुत अच्छे पार्ट्स हैं, ये हमने आफ्टर मार्केट परचेज किए हैं। वाइट कलर में हम इस गाड़ी को रखेंगे, और मैं अब आपको दिखाऊंगा, ये हमने फ्रंट मेंबरशिप लगा दी जिसको हम देसी लैंग्वेज में गाटरी बोलते हैं, ये हमने लगा दी। ये जो नीचे इसके दो नक्के दिए हुए हैं वो उसी में सेट हो जाएंगे पुराने वाली में, और इसको रख कर यहाँ पर थोड़ा कट लगेगा, थोड़ा पीछे जाएगा, उसको कट करके हम यहाँ पर गैस वेल्डिंग से गैस वेल्डिंग कर देंगे। आपको दिख रहा होगा हमने बोनट भी गैस वेल्डिंग से रखा हुआ ऊपर वेल्ड करके। अभी हम उसको इस गाटर की सहायता से सेट कर लेंगे, आगे पीछे कहाँ जाएगी गाटरी, आगे आएगी या पीछे जाएगी, बोनट की सहायता से हम दोनों चीज़ों को सेट कर लेंगे। इस गाड़ी पर रेस्ट भी लगी हुई थी जिसको हमने अच्छे तरीके से निकाला है, काफ़ी काम हुआ इस गाड़ी में। ये आपको दिख रहा होगा कि इसके आगे की जो मेंबरशिप थी वो हमने चेंज कर दी। अब इस गाड़ी का कुछ इस तरीके से लुक आपको दिख रहा होगा, बहुत सी चीज़ें हमने इसकी चेंज कर दी है। फ्रंट मेंबरशिप, लाइट, ग्रिल, बम्पर, बोनट, साइड फेंडर चेंज किया है, ना कि हमने पूरी गाड़ी को चेंज किया है। अभी आपको दिख रहा होगा पुराने वाली गाड़ी से नए वाले में जो चेंज किया हमने उसमें कितना कुछ चेंज किया है। अगर आपको चेंज करवाना हो तो आप भी हमारे एड्रेस पर आ सकते हैं। काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है गाड़ी का। ये जो पीछे की डिग्गी है ये S11 की डिग्गी हमने लगाई है, ये वही गाड़ी है, इस पर ज़्यादा कुछ चेंज नहीं किया, आगे और पीछे से हमने चेंज किया है। कुछ लोगों के मन में होता है कि इसकी बॉडी चेंज की है, इसकी बॉडी चेंज नहीं की जाती दोस्तों, इसमें मॉडिफाई किया जाता है। ये हम पार्ट्स पेंट कर चुके हैं, जो डिग्गी थी बोनट थी वो हमने पेंट किया, ये बम्पर काफ़ी अच्छा पेंट हुआ है इन चीज़ों पर। अब हम डिग्गी पर जो शीशा लगा है वो मैं आपको दिखाऊँगा, ये शीशा लगा रखा है हमने डिग्गी पर, और जो साइड विंडो थी वो भी काफ़ी हद तक बहुत अच्छी पेंट हुई है, और इन पर जो काम हुआ है वो बहुत अच्छा काम हुआ है। कुछ पेंट होने के बाद में कुछ इस तरीके का लुक आ रहा है गाड़ी का, काफ़ी अच्छा लुक है, और जो फाइनल पेंट होने के बाद में गाड़ी का लुक है वो इस तरीके का लुक है। अब कोई बता भी नहीं सकता कि ये पुराने वाली गाड़ी है, काफ़ी अच्छी लग रही है। और जो फ्रंट से मैं आपको दिखाऊंगा, ये ग्रिल, हेडलाइट, पूरे के पूरे गाड़ी ऐसे लग रही कि S11 गाड़ी नए वाली है। ये वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा इस गाड़ी की बनने के बाद में, कोई बता भी नहीं सकता कि ये गाड़ी पुराने वाली है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।